हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटापर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल रात में हमने यूपीपीएससी का जो कल सुबह पेपर हुआ था, पेपर वन, उसका जीएस पेपर का 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर की हमने देख लिया था। 150 क्वेश्चन आए थे। बाकी क्वेश्चन मैंने कहा था कि सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक का क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आपको, और बाकी का क्वेश्चन पार्ट थर्ड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। जिन लोगों ने 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक आंसर ना देखा हो, वो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पार्ट वन का, वहाँ से आके आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो ये पार्ट 51 नंबर से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर इसमें बताएंगे हम, और इसके बाद पार्ट थर्ड में 100 नंबर से लेके 150 तक क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था मैंने, वीडियो लंबी ना मैंने इसलिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट वन ना देखा, उन्हें 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखना हो आपको, तो पहले आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से पहले पार्ट वन देख लीजिए वीडियो, उसके बाद पार्ट सेकंड ये है, पार्ट टू ये देख लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 51 पर पहुँचते हैं। 51 का के आगे क्वेश्चन देखते हैं का राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए, 50 तक हो गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो काठक इन्होंने लगा के आया है, लेकिन यहाँ पर इसको कंफर्म नहीं हुआ था मुझे। और राइट आंसर इसका जो है एकदम कंफर्म, वो नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, इसलिए इसको स्किप करता हूँ मैं, गलत आंसर नहीं बताऊँगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं 52 से चलता हूँ आगे। 52 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जो यहाँ पर लगा हुआ है वही ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो 53 का जो सही राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगा के आया है, इन्होंने इनका गलत है, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर 55 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही होगा, जो इन्होंने लगा रखा है वही यहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो 56 नंबर का जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर इसका, बागौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आदीना मस्जिद मांडू, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि गलती से मैं भी गलत बता दूँ, हम भी इंसान हैं दोस्तों, और पेपर होने के बाद में इतना टाइम नहीं मिला था कि हम एक क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो तो उस पर ज़्यादा देर तक विचार कर सकें, इसलिए या तो उसको छोड़ ही दिया है दोस्तों, और या तो एकदम 95% श्योर हूँ उस क्वेश्चन पर, तभी मैंने उसको आंसर बताया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मेरे भी में गलती हो गई दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग उसका उतना करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सारे क्वेश्चन का गलत बता रहा हूँ, सारे का सारा एकदम श्योर होके मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो एकदम डेड श्योर होके बता रहा हूँ वो एकदम कन्फर्म बता देता हूँ, और जिसमें ज़रा सा भी डाउट होता है मैं खुद बोल देता हूँ कि या तो इसको स्किप कर दीजिए या फिर आप लोग खुद इसको देख लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान रसिक प्रिया, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उन्होंने डी लगा रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सी ए बी डी, ये ऑप्शन सही हुआ, इन्होंने सी लगा रखा है,
ये उत्तर सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ये सही उत्तर इन्होंने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अहोम 1815, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त प्रपात है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, जोग जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है या कथन संबंधित है? तो 63 का जो सही उत्तर है वो है आपका, इसमें कोई कंफर्म नहीं है दोस्तों, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे इस पर डाउट है और इसलिए मैं अपने तरफ से इसका आंसर नहीं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन एक्स ए सही है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, जो इन्होंने लगा रखा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा यानी कि मात्रा के अनुपात को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही सही उत्तर का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, ना कि ऑप्शन डी, इन्होंने ऑप्शन डी लगा रखा जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 7000 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों की उनकी को उनकी स्थापना के कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? 69 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, मैक मोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? 70 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं चीन के बीच, सही उत्तर है ये। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों के में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? और दोस्तों 71 नंबर का जो राइट आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है, पता है लेकिन कंफर्म नहीं पता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप लोग खुद देख लीजिएगा 71 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो 72 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विवाह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये शायद कूट वाला था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी सही होगा ए और बी, सॉरी ए और बी ये सही होगा आपका, यानी कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो 73 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए UNDP द्वारा। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि कौन सा आंसर आपने कमेंट किया, आपने वहाँ पिक किया था, ताकि हमें भी पता चले कितने लोगों ने वहाँ आंसर सही करके आए हैं और कितने लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसमें आप भी कमेंट किया कीजिए कि सर ये गलत हो गया मेरा, ये मैंने यहाँ पर बी सही होगा आपने बताया लेकिन वहाँ पर मैं डी लगा के आया था, इस तरीके से आप भी कमेंट करते रहिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हमारी प्रयास आपको अच्छा लगा, आपके लिए मदद मिली आपको मेरा प्रयास से, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल मिला ना आपने नंबर काउंट करने में कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है?
74 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मनरेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। 75 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी आय की विषमता। और दोस्तों इसका पेपर 2 यानी सी सेट का पेपर भी मेरे पास आ गया और उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है। अगर आप कहेंगे तो उसका भी आंसर की हम इस वीडियो के बाद में प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कैसे हम कितने और कब हम उसको प्रोवाइड करें आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। 76 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। दो तीन क्वेश्चन ऐसे निकल के आए थे जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे, एक्चुअली समझ में आ जाते, देख लेते, थोड़ा सा बुक्स वगैरह उठा के पढ़ना पड़ता तो उतना टाइम नहीं था दोस्तों। मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से देख लेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बाद में आप डिस्क्रिप्शन में इसका जो बाद में हमें मिल जाएगा टाइम और इसको ढूंढ के मैं सही राइट आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। ठीक है दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में न कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर 77 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो भी मुझे नहीं पता है दोस्तों, इसको भी मैं कंफर्म नहीं है इसलिए मैं इसको रोक रखा है। तो इन जो चार पांच क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो उतना नहीं बता रहा हूँ उसको मैं बता दूंगा, कोई टाइम थोड़ा चाहिए था उसके लिए, बुक वगैरह ढूंढ के और उसमें देखना था, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ आंसर इसका भी मिल जाएगा अगर मुझे मिल गया तो। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बारहवीं। यहाँ पर इन्होंने सी लगा के आया है, यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया। तो 79 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सही है गाजियाबाद को। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 2.4 यानी ऑप्शन नंबर पी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत के में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति समिति की गठित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है यानी हाशिम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इंडियन टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रशांतांश वनों के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन में 82 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है यानी 23.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। तो भारत में बाघ परियोजना दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी 1972 में शुरू किया गया। निम्नलिखित में 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जनित जीवोभ का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 डी सही यानी फसली भूमि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर है, सबको पता होगा ऊँट ऐसा जानवर है जो काफ़ी लंबे समय तक अगर पानी ना पिए तब भी वो जीवित रह सकता है, इसीलिए वो रेगिस्तान में भी अच्छे से वो जीवित रह पाते हैं इतने पानी कम मिलने के बावजूद भी। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन में 86 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा जामनगर यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 87 है, डाजिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो है कस्तूरी मृग यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मई 22। ठीक है,
22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है उसका, एडीफिक ये मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेटोसिफर में, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, वैश्विक उष्मा के फल स्वरूप निम्नलिखित में किसका बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो मैं 91 से लेकर 95 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों मैं स्किप करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन क्वेश्चनों में से दो तीन क्वेश्चन के आंसर तो मुझे ऐसे हैं जो जिनका 70% राइट आंसर लगता है, लेकिन 30% मुझे डाउट है, इसलिए मैं कन्फर्म करके दोस्तों बताऊँगा, गलत आंसर यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि 91 से 95 के लिए अभी आप रुक जाइए, मैं वीडियो पब्लिश होने के बाद थोड़ी देर बाद आप लोग आंसर का वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से मैं इसको कंफर्म करके मैं उसको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 96 की तोड़ बढ़ते हैं, जहाँ कन्फर्म वो आपको बताते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है 95 का बता दूंगा मैं कंफर्म है इसका, निम्नलिखित युग्मों के कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो 95 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, ओजोन परत ये ट्रोपीस्फियर ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 91 92 93 94 नंबर का क्वेश्चन मैं स्किप किया, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ आंसर राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सॉरी 96 यहाँ पर छूट गया है जी, 96 निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 96 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी सही है यहाँ पर जो इनका लगाया सही उत्तर है। नेक्स्ट है 97 नंबर का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष, ठीक है यहाँ पर ऑप्शन ए सही है 97 का। 98 जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विलहेल्म रांटजेन द्वारा किया गया था। तो 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी एक्सरे मशीन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, डीएनए की द्वि कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई। तो 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर एक सेकेंड दोस्तों इसका आंसर कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी एक्सरे किरणों की। दोस्तों यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया, आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया है। पार्ट वन में 1 से 50 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आंसर की बताया था, ये पार्ट टू में मैंने 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तक बताया है, जिसमें से आज मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन स्किप भी किए हैं जो डाउट थे, और उस 10 क्वेश्चन का आंसर आपको या तो मैं पार्ट थर्ड में जो वीडियो बनाऊंगा इसके आगे यानी कि 101 नंबर से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की प्रोवाइड करूँगा उस वीडियो में सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूँगा अगर मुझे आंसर कन्फर्म मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है आप लेट में देख रहे हो तो मैं डाल भी चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ चेक कर लीजिएगा, और आई बटन पर जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट वन का, पार्ट वन देख लीजिए और पार्ट थ्री भी यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर पार्ट टू आप देर में देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो पब्लिश होने के बाद में, तो पार्ट थ्री का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। तो पार्ट वन मैंने डिस्कस कर चुका, पार्ट टू ये है, पार्ट थ्री इसके बाद भी आ जाएगा, और सीसीएट का भी पेपर अगर आप आंसर की चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कीजिए, सीसीएट का भी पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है और उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताइए कितने क्वेश्चन आपने वहाँ पर सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए दोस्तों, और वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे।